May I come in, sir? Come in. तुम इस कमरे में क्या करने आई हो? क्या बचा है करने के लिए? सर, मैं जानती हूं कि मुझसे गलती हो गई है। आपसे विनती करने आई हूं कि इस गलती को सुधारने के लिए आप मुझे एक मौका दीजिए। मौका? मिसेज अवंतिका सक्सेना, आप इस केबिन में अब तक इसलिए नहीं खड़ी हैं कि आप मेरी एम्प्लॉय हैं, बल्कि इसलिए खड़ी हैं कि आप मेरी क्लाइंट की वाइफ हैं। वरना कब का बाहर निकाल दिया होता आपको। वो जो गलती थी वो मैंने जानबूझकर नहीं की, वो काम के प्रेशर में और अनजाने में हो गई। आपको पता है इस गलती की वजह से कितना नुकसान हुआ है? नहीं पता है? आपके पति का ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन पर आपने काली पोत दिया है। मेरी परसों की कमाई हुई स्टॉक को मिट्टी में मिला दिया है आपने। इसीलिए मैं आपसे इस गलती को सुधारने के लिए एक मौका मांग रही हूँ। गलती सुधारेंगे आप? मिसेस सक्सेना, आपको पता है कि आपके हस्बैंड मिस्टर सिद्धार्थ इस वक्त कहाँ है? नहीं पता है ना? वो अपने पार्टनर से मिलने के लिए गए हैं, जो परसों से हमारे क्लाइंट है। मैं उन्हें बेहतर जानता हूँ। वो इस गलती की वजह से मेरी कंपनी की तरफ कभी पलट के भी नहीं देखेंगे, बल्कि नुकसान की भरपाई के लिए हम पर दावा ठोकेंगे, जो कि हमारी कंपनी की गलती की वजह से, यानी कि तुम्हारी वजह से। बस बात काटो मत। सुन लो, वो नुकसान कम से कम 25 लाख का है। वो क्लाइंट हम पर दावा ठोकेंगे 25 लाख का, उसके बदले में मैं तुम पर दावा ठोकूंगा उस 25 लाख का, जो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। मिस्टर सक्सेना, मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। मैं शहर में तुम्हें नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। सर, मैं 2 साल एक कंपनी की सीईओ रह चुकी हूं, वहां आज भी मेरी काबिलियत का उदाहरण दिया जाता है, और यहाँ पर आप ये कहानी मुझे क्यों सुना रही हो तुम? इसीलिए क्योंकि ये मौका मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, अपने लिए मांग रही हूं। आप चाहे जो कुछ भी सोचे मिस्टर साहब, मैं इस गलती को सुधार कर रहूंगी। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने हार मान ली। मैं इस हार को जीत में बदल कर रखूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरा वादा है।